मैं अजय आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास फर्स्ट, है ना। फर्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आप ही को पूछता हूँ, है ना। आप सीरियसली जी जरा सा सोचना है इस मैटर में, है ना। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बावजूद में आप बहुत इफोर्ट लगाते हो, उसके बावजूद में आपको याद नहीं हो पाता सही ढंग से। ऐसा होता है ना, जरूर होता है। पर आप सोचते हो, कभी सोचते हो? आप ये हमेशा सोच लेते हो कि सामान्य सी बात है, पर ये सामान्य सी बात नहीं है। आपका कितना इफोर्ट रहता है और कितना समय देते हो, उसके बावजूद वो आप कैसे भूल जाते हो? ये भूल हमसे क्यों होती है? आपके इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरा ये वीडियो, है ना, जिसमें आप ये सीखेंगे कि पढ़ाई का कौन सा बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका जो कि जिसके थ्रू से अगर हम पढ़ाई करें तो हम भूलें कम, है ना, भूल हमसे नहीं, है ना। आप अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ना। लास्ट तक बने रहें, हम समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। हाँ, तो समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ाई करते हैं, सिंपली आप पढ़ते हैं किताब लेके, मूड ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ना है तो ये सोच के पढ़ो कि मुझे सीखना है, समझे ना। 2-3 दिन के लिए याद रखने की नहीं, ये सोचो फर्स्ट में ही अपने दिमाग का यूज करो। आपको सोचना है मुझे किसी और को जाके क्लास देनी है, उसी तरह से जिस तरह से आपके टीचर ने आपको क्लास दी है, ओके। फर्स्ट में ही सोचोगे ये चीज, किताब लो, आराम से बैठो, शांति का समय रहेगा। वैसे समय में आपका दिमाग कम से कम स्ट्रेस लेस होना चाहिए, फ्रेश आपका माइंड होना चाहिए, ओके। और आराम से बैठ के पढ़ो, वो सारी बातें डिटेल से आप अपने दिमाग में सजाओ। और उसके बाद में हाथ में एक मोबाइल लो। अब आप जांच करो कि मैंने पढ़ी क्या, मेरे दिमाग में वो बातें याद हैं, समझे। आप क्या कर रहे हो? मैं हम लोगों ने पढ़ी, दिमाग में होनी चाहिए ना बात, तो क्या है ये जांच रहे। पढ़ने में टाइम दी, टाइम द मोस्ट प्रीवियस थिंग, ओके। वो हम दोबारा रिटर्न नहीं ला सकते हैं, बट हम जांच रहे हैं अब क्या अपने दिमाग को, है ना। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, क्लास जब दीजिएगा एक किसके सामने, मोबाइल के सामने, उसमें से आप बहुत सारी बातें उस क्लास से रिलेटेड, आप टॉपिक्स से रिलेटेड आप बात आपको कहनी है, आपका कह डालते हो सारी बातें। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप बहुत अच्छे से डिक्टेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे वाह मैंने बहुत अच्छे से किया। और कुछ पॉइंट्स में कुछ मिस्टेक्स हो सकते, बट आपको सोचना है मिस्टेक्स कैसे होगी। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक सोचने लगोगे, अरे मिस्टेक कहाँ से हो रही, पर ये आप नहीं सोच रहे हो, ये आपका दिमाग, यहाँ पर आपका दिमाग ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाओ, अलर्ट फेज में हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वो सोचता है अरे यार मेरा से मिस्टेक हो जा रहा है, कैसे होगा मिस्टेक, मैं मिस्टेक होने नहीं दूंगा। आपका दिमाग पूरा तरह से एकदम एक्टिव हो गया दोस्त, और उसके बाद में आप पढ़ने के लिए बैठो एक बार आप, और उसके बाद में जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग गलती नहीं करने के लिए पहले से सजग हो जाता है, और वो तैयार होके जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तो सॉरी पढ़ाई करते हो तो पूरी तरह से तैयार होके आप पढ़ ये आप याद करता है ना। हर एक पॉइंट्स को कोशिश करता है कि हम सही ढंग से याद करें ताकि सही ढंग से बता पाएं, ओके। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद में आप जब क्लास देते हो, क्लास देने के दौरान भी गलती न करने के लिए वो पहले से आप तैयार होते हो, है ना। यहाँ पर आप नहीं, आपका दिमाग पहले से रेडी हो रहा है। अब आपका दिमाग कैसा हो जा रहा है, स्टडियस, अब बहुत हंग्री,
है ना, आपका दिमाग पेशेंस फुली, आप सारा चीज़ करो, बस एक बीच बीच में जब भी आपको थोड़ा सा हड़बड़ाहट लगे 5 बार लंबा लंबा सांस ले लेना, अपने आप को शांत कर लेना और काम को करते जाना। दोस्तों यह एक प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ का, एक मिरर के सामने बैठने का प्रोसेस, जिसमें आप मेकअप वगैरह तो करते होंगे, तो किसके सामने करते हैं, आईने के सामने, कहीं मेरे सा गाल में या फिर पूरा मेरा फेस सही ढंग से डेकोरेट तो हुआ है ना, आप जरूर सोचते हो मैं कैसा दिख रहा हूँ और लुक मेरा कैसा है, आप जरूर सोचते हैं, पर देखते हो किसके सामने, मिरर के सामने। तो वही चीज़ आपने अब वीडियो में किया है कि मैंने जो कहा वो सारी चीज़ें इसमें है नहीं, कुछ गलतियाँ होती हैं मिरर के सामने अगर सजने में, तो आप रिकवर करते हो ना, उसी तरह से आप रिकवर कर रहे हो सेकेंड टाइम की पढ़ाई में, और सेकेंड टाइम की पढ़ाई में आपका दिमाग पूरी तरह से सजग होके सारी कमी को पूरा करता है, और इस तरह की स्थिति में आप अपने दिमाग को मोर एक्टिव बनाते हो। तो हम अपना दिमाग को मोर एक्टिव खुद बनाते बना रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, है ना, ये बोर्नविटा हॉर्लिक्स और बहुत सारे तो पीते हैं ना हेल्दी बनने के लिए, तो ये तो ऑटोमेटिक हम एक्टिव बना रहे हैं, अपने दिमाग को बना रहे हैं, हाँ दिमाग से काम करा रहे हैं, ओके दिमाग को एक्टिव कर रहे हैं, शार्प बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें होंगी। और जब आप सेकंड टाइम्स करोगे, सेकंड टाइम में आप अच्छी अच्छी क्लास दोगे ऑटोमेटिक, और वो क्लास की स्थिति जब आप खुद को सेटिस्फाई कर दो, आप क्लास ऑफ कर लें, उसके बाद आपको बस 3 दिन से 4 दिन 5 दिन के अंदर में एक बार अपने आप को चेक करनी है कि क्या मैं जितना पढ़ा था वो मेरा है, रिकवर है कि नहीं। एक बार बोलने के प्रोसेस में आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्लास में कही हुई बातें, फर्स्ट बार में आप पढ़ी हुई कभी भी बातें, जहाँ भी उस मैटर से रिलेटेड बातें, सारी बातें आपको एक बार एक एक के दौरान एक याद आते जाते हैं, और आप बोलते जाते हो जो भी होता है। कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा से खुद अपना दिमाग का यूज करके सोचते हो और बोलते हो, है ना, पर वो क्लास देने के दौरान ऑटोमेटिक आएंगी ना, हाँ मतलब आप दिमाग का यूज कर रहे हैं, दिमाग का, है ना। तो इस तरह से ये आप ये चीज़ हर ये 5 दिन 7 दिन 10 दिन में आप इसको कीजिएगा, कम से कम 1 महीने तक करने के बाद में ये चीज़ ऑफ कर दीजिएगा, आपका वो एक पीरियड ख़त्म हो गया, आपने वो टॉपिक ख़त्म कर लिया, इसके बाद में मेरे दोस्तों वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए वो आपको दिमाग में याद हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने बहुत बार रिपीट करने के बाद वो हमला हमारे अंदर में इस तरह से फीड हो गई कि अब जाने वाले नहीं है, है ना। तो बताएं ये आपने टाइम से भी किया, शुरू में हम लगता है हमको अपने अंदर आपको लगेगा कि हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक चीज़ के पीछे पड़ के, है बट ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, टाइम सेविंग है। एक टॉपिक करने के बाद में जब आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से दूसरी टॉपिक करने लगते हो, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को अलर्ट कंडीशन पाते हो, आप अलर्ट नहीं होते, आपका दिमाग ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाता है ना, दिमाग ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाता है, उसे ये पता होता है कि मुझे कैसे करने की है, उसे ये भी पता होता है कि कहाँ गलती हो सकती है, पॉइंट कैसे मुझे पॉइंट आउट करना है, टॉपिक्स के बारे में सारी चीज़ें वो पहले से तैयार हो जाता है हर एक चीज़ में, और आपको वो भरपूर साथ देता है, आराम से आप बोलने की स्थिति में होते हो और खुद को ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे, है ना, ये रिलैक्स का महसूस करने का मतलब आप कंफर्टेबल आप कंडीशन में आ गए, है ना, तो आपका ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये किस कंडीशन में आप जा रहे हो, आप खुद का विल पावर बढ़ा लिए हो, है ना, दिमाग एक्टिव ज़्यादा हो चुका है बस। ठीक है दोस्तों, आप ये बात समझ चुके हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ना, एक सब्जेक्ट के करने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट का जरूर कीजिएगा, धीरे धीरे
आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कितने फायदेमंद हैं। आप इस तरीके का फायदा उठाइए, है ना, और अपनी पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद करें और वो कॉम्पिटिशन निकालें, है ना। अपना विल पावर मजबूत करें, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, आप इसे जरूर करना। आप लोगों को मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब मी, ओके, एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है जल्दी, है ना, वो सीटेट से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के लिए होगी, पर मैं जरूर आऊँगा। जल्दी जल्दी आपकी वीडियोस आ रही हैं, आप कमेंट्स दीजिएगा, उसके उसके अनुसार से वीडियोस और भी बन